श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 43 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेसेस भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद। श्री कृष्ण कृष्ण सका वृष्णी ऋषभाव निद्रुग राजन्य वंशाधनानपवर्ग वीर्या गोविंद गोद्वीज सुरार्ती हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शब्दार्थ श्री कृष्णा हे कृष्णा कृष्ण सखा हे अर्जुन के मित्र वृष्णी वृष्णी कुल के ऋषभा हे प्रमुख अवनी पृथ्वी दृग विप्लवी राजन्य वंश राजाओं का वंश दहना हे विनाशकर्ता अनपवर्ग बिना अवनति के वीर्य पराक्रम गोविंदा हे गोलोक के स्वामी गो गवों के द्विजा ब्राह्मणों के सुरा देवताओं के अर्तिहरा दुख दूर करने के लिए अर्ता अवतार हे अवतार लेने वाले योग ईश्वर हे योग के स्वामी अकेला संपूर्ण जगत के गुरु हे गुरु भगवान हे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी नमः ते आपको नमस्कार है। अनुवाद हे कृष्णा हे अर्जुन के मित्र हे वृष्णी कुल के प्रमुख आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक यानी गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है जहाँ वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी रहती है। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। वे गायों ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। ये कुंती महारानी की प्रार्थनाओं की श्रेणी में अंतिम प्रार्थना कुंती महारानी और इसमें कृष्ण का सार कुंती महारानी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। तो एक बार ध्यान से सुनते हम। हे कृष्णा हे अर्जुन के मित्र हे वृष्णी कुल के प्रमुख आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियाँ हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करते हूँ। तो यही हमारा कार्य है भगवान को समझना और उनको सादर प्रणाम करना। भगवान भी यही कहते हैं भगवद्गीता में
मनमना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, नमस्कार करो, मेरा स्मरण करो और मेरी पूजा करो। तो ये चार सिद्धांत भगवान ने बताया और इसी सिद्धांत का सार कुंती महान प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कौन है? गोविंद, गोविंद गोद्विज सुरार्थी हरावतार। इनके दुख दूर करने के, किसके, ये गोविंद है किसके दूर करने के लिए? गाय ब्राह्मण और देवताओं के दुख दूर करने के लिए भगवान आते हैं। ये सार है, भगवान क्यों आते हैं। हालांकि प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं गोविंद जो अपने गोलोक में लाखों करोड़ों लक्ष्मियों के साथ है, उनकी सेवा करते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंद मादि पुरुषम तमम भजामी, जो गोविंद की करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी सेवा कर रहे हैं गोलोक में। और सुरभि रवि पाल यंतम, सुरभि गाय का भगवान जो पालन किसको चराने ले जाते हैं, सुरभि गाय, वहाँ सुरभि गाय है, सुरभि गाय जो चाहे वो दे सकती है और इतना प्रचुर मात्रा में अमृतमय दूध देते हैं। प्रभुपाद कहते दूध इतना अमृतमय है, दूध से गाय का दूध, गाय का दूध से हमारी जो मगज है, हमारा ज्ञान तंतु, उसका सूक्ष्म मगज, हमारे जो ब्रेन है उसके ज्ञान तंतु उसमें सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है और वहाँ तक जाके गाय का दूध पोषण देती है। बाकी इतनी सूक्ष्म जगह है कि वहाँ पोषण देना मुश्किल है, लेकिन गाय का दूध पोषण देती है। और सोचिए भगवान की जो सुरभि गाय है कितनी, कितना दूध देती है। यहाँ तो हमको दूध मुश्किल है, घी, घी कितना रुपये किलो, अच्छा घी, ये जो सुमूल अमूल का घी आता है कुछ नहीं है, वो तो चीटिंग है, मिलावट है। रियल घी देखे तो 4,000 रुपये किलो मिलता है और वो भी अच्छा मिल, अगर हमारे सामने बने है तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी चीटिंग होता है। तो घी, शुद्ध घी नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि दूध नहीं है, दूध है ही नहीं, जितना घी चाहिए उतना दूध नहीं है, इसीलिए मिलावट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ भगवान सुरभि रवि पाल यंतम, भगवान सुरभि गाय का पालन करते हैं और यही सुरभि गाय कितना प्रचुर मात्रा में दूध देते हैं। सुरभि गाय के पालन में भगवान व्यस्त रहते हैं, वहाँ सैकड़ों हजारों लक्ष्मी उनकी सेवा में लगे रहती हैं। और भगवान यहाँ जो आते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, और जो दुष्ट राजा है जिन्होंने पूरा ये अव्यवस्था फैला रखी है अपने राज्यों में, उनका विनाश करने के लिए आते हैं। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, जरासंध, जरासंध ने वो, उन्होंने इतने शक्ति से सब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए और प्रजा के दमन शोषण करने के लिए उन्होंने बहुत सारा सैन्य इकट्ठा किया था। तो भगवान ने जरासंध का 17 times क्यों भगवान भाग, मतलब क्यों उनको जिंदा छोड़ के रखा जरासंध को, ये भी एक है, क्योंकि जरासंध जो पराजित हो जाता था, अकेला रहता था, फिर भगवान उसको छोड़ देते थे, जाओ। वो समझता नहीं था जरासंध, फिर वापस इतनी सेना इकट्ठी करके भगवान के पास लड़ने के लिए आते थे। कृष्ण बलराम अकेले काफी थे उनको। यहाँ लिखते हैं ना भगवान कि आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, कभी क्षीण नहीं होता, भगवान की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। और प्रभुपाद यह इसको समझा रहे हैं कि सृष्टि स्थिति का जो पालन है, पालन पोषण तथा विनाश, ये सब प्रभुपाद लिखते हैं कि वे अपनी असीम शक्तियों से सृजन पालन तथा संहार करते हैं। शक्ति कितनी होगी आज किसी का संहार करना, कितनी शक्ति चाहिए। बहुत साल पहले 2001 में भूकंप आया था, 2001 में
2001 में हाँ भूकंप आया था, तो सब लोग डर के नीचे आ गए। तो एक व्यक्ति बोल रहा था मुझे कि ये जो भूकंप आता है इतना जमीन में इतना शक्ति खर्च होता है, तो इतना शक्ति की वजह से ये सब भूकंप आता है, अभी जल्दी दूसरी बार भूकंप नहीं आएगा क्योंकि शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो भगवान की शक्ति कभी क्षीण, भगवान का शौर्य कभी क्षीण नहीं होता है, यानी अभी भूकंप आया तो तुरंत दूसरी सेकंड में भी आ सकता है, इतनी भगवान की शक्ति है। सृजन पालन करते हैं भगवान और संहार करते हैं, संहार करना कोई आसान चीज थोड़ी है। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी ने भेजा था, संहार करके आए, कितनी शक्ति लगानी पड़ी। युद्ध होता है, युद्ध में कितनी शक्ति लगती है, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में करोड़ों लोग मर गए, 64 करोड़ से भी ज्यादा लोग मर गए, तो कितनी शक्ति लगती है किसी को मारना है। फाइटिंग करते हैं, दो पहलवान फाइटिंग करते हैं तो क्या होता है, थक जाते हैं, इतनी शक्ति लगती है। लेकिन तो फिर सोचिए पूरा विश्व का पालन पोषण करना, हम लोग हमारा कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए सुबह से शाम कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए पूरा पसीना निकल जाता है हमारा। तो भगवान सिर्फ पालन पोषण नहीं करते, सृष्टि भी सर्जन भी करते। एक घर बनाना है तो जीवन में एक घर बना सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, फिर थक जाते हैं, अभी नहीं। बहुत मुश्किल एक घर बनाना कोई आसान काम थोड़ी है, कितना टाइम लगता है एक घर बनाने के लिए, फिर उसका पालन, उस घर को मेंटेन करने के लिए यहाँ कितनी संख्या में भक्त उपस्थित है, क्योंकि सब घर के मेंटेनेंस में लगे हैं। सुस्ती स्थिति साधन शक्ति रेखा, फिर उसको तोड़ देना, फिर नया बनाना, कितनी शक्ति लगती है। तो भगवान पूरे विश्व का सर्जन, फिर उसका पालन और फिर उसका विनाश करते हैं, तो कितनी शक्ति चाहिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी यहाँ कुंती महारानी कहते हैं कि वो आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, और आप भक्तों को कष्ट को हरण करने के लिए आप प्रकट होते हैं, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है, समस्त विश्व के गुरु है, उपदेशक है। अगर भगवान हमको उपदेश नहीं देते हम कहाँ से उपदेश लाते। इसीलिए कहते हैं कि वैसे मायावादी लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये वास्तव में ये भगवान गुरु, यहाँ गुरु गुरु ब्रह्मा, ये जो गुरु है वो ब्रह्मा नहीं है, लेकिन गुरु ब्रह्मा का प्रतिनिधि है, गुरु साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये समझ। मायादेव बोलते हैं गुरु ही भगवान है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु सब गुरु ही है, साक्षात ईश्वर गुरु ही है, पर क्यों गुरु साक्षात ईश्वर है ये समझना है, वो मायावादी नहीं समझते। तो यहाँ भगवान गुरु है, उपदेशक है पूरे विश्व के। अगर हम भगवान हमको उपदेश नहीं देते तो हम कहाँ से लाते सब चीज़ें। लेकिन दुर्भाग्य से लोगों को भगवान के उपदेश में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, बिल्कुल रुचि नहीं है उनको, रुचि है इंद्रिय तृप्ति में। कल मैं एक जगह बुक दिखा रहा था तो एक लड़का गेम खेल रहा था, तो मैंने उसको बोला भाई तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी दो में एक सेकंड तो मेरी बात सुन, सुनता ही नहीं है। देखो कितना एडिक्शन है, गेम ही खेलता रहे, बिल्कुल सुना नहीं। मैंने एक मिनट उसको बोला, बिल्कुल सुना नहीं, गेम ही खेल रहा था। ऐसे तो भगवान के उपदेश, हम कितना ऐसे भगवान के प्रति कृतज्ञता कि भगवान आप बहुत दयालु, हमको आप उपदेश देते हैं, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आपका भगवान बहुत आभार कि आप हमें उपदेश देते हैं। कुंती महारानी यही प्रार्थना करके, आप समस्त विश्व के उपदेशक है, गुरु है, तो हमें हमें कृतज्ञता प्रस्तुत करनी चाहिए, मतलब
व्यक्त करनी चाहिए कि भगवान वास्तव में आप उपदेशक है। अगर आप उपदेश नहीं देते, आप भगवद गीता को उपदेश नहीं देते, तो हम कहाँ होते हैं, हमारा कोई कल्याण नहीं होता। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है और ऐसे हमारे पिता ईश्वर, भगवान हमारे पिता है, परम पिता ईश्वर हमारे कंट्रोलर है और वो सर्वशक्तिमान कंट्रोलर है, इसीलिए हमें निर्भय होना है, हमें भयभीत नहीं रहना है कभी भी। कल हमने देखा प्रार्थना में, कुंती महारानी की प्रार्थना दी कि जिस प्रकार नदी, पवित्र नदी समुद्र की ओर सतत अविरत बहती रहती है, उसी प्रकार हमारा मन आपके में अविरत रहे, हमारा मन आप में निरंतर आपकी ओर बना रहे बिना किसी रुकावट, हमारा आकर्षण अन्य किसी के प्रति नहीं लेकिन आपके प्रति रहे। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। मैं आज जप कर रहा था तो यही सोच रहा था, क्योंकि कल हमने बताया ना कि लोग कंसंट्रेशन से टीवी देखते, जैसे मैंने उदाहरण दिया, ये टीवी देखने से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन, कि एक व्यक्ति, एक साधु आया है, वो कुछ बोल रहा है, देखो इतना ये हमको कितना पंगु बना देते हैं, वो बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ तो सुनो, लेकिन सुनते ही नहीं है, दुर्भाग्य है ये। मैंने कल बताया ना, यहाँ नहीं कि उसको बताया, मैंने बोला वो मार्क जुबेर कौन है, वो व्हाट्सएप फेसबुक वाला, वो करोड़ों रुपया कमाते, किसी ने उसको बोला भाई तुम तो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं ये व्हाट्सएप फेसबुक से, लेकिन देख पूरा युवान सब बर्बाद हो रहे हैं, बंद करो ये सब। हमारा भी आसक्ति ऐसे कृष्ण के प्रति रहे जैसे वो लोगों की फेसबुक और व्हाट्सएप में रहती है, आँख भी नहीं, ऊपर भी नहीं उठते हैं, हमारी कब आएगी ऐसा आसक्ति। ये हमें प्रार्थना करनी है कुंती महारानी की तरह, कुंती महारानी यही प्रार्थना कर रही है कि हमारा मन इसमें ही रहे। तो ये प्रार्थना का मैंने कल काफ़ी लंबा प्रवचन दिया कल, तो मैं भी यही सोच रहा था कि हम भी भगवान का नाम ही लेते रहे, ये सब चिंता है, एक के बाद एक हमारा आयोजन योजनाएं आती रहेगी, तो क्यों ना भगवान में अपना मन लगा के रखें। तो ये प्रार्थना से हमको लाभ होता है, ये सब प्रार्थना सुनते हैं और इसका स्मरण करने से ज़्यादा लाभ होता है। श्रवण तो करने से लाभ होता है, ये श्रवण कीर्तन, लेकिन स्मरण करने से ज़्यादा लाभ होता है, हमें व्यवहार में अप्लाई करना है। ये भगवान का जो उपदेश है मन मना भव मद भक्तो, इसको व्यवहारिक कैसे लगाए हम, कैसे भगवान में का स्मरण हम करते रहे नित्य सतत, ये व्यवहारिक प्रार्थना हमें काम लगेगी। हम ऐसा स्मरण कर सकते कि कुंती महारानी भगवान द्वारका जा रहे और यही प्रार्थना करें कि भगवान आप जा रहे लेकिन मेरा मन आप में निरंतर लगा रहे, तो हम कैसे कर सकते हैं। सतत हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, जैसे भूल जाते हैं, आज भी मैं जप कर रहा तो यही सोच रहा था कि थोड़ा हम जप करते ध्यान दूसरी जगह चले जाते हैं, तो प्रयास करते हैं कि कैसे कुंती महारानी जैसे प्रार्थना करते निरंतर भगवान हमारा मन रखे, ये अभ्यास करना है। तो एक दिन हमारा अभ्यास से हम परिपूर्ण हो जाएंगे और हम कृष्ण सेवा में अपने को तन्मय बना देंगे। तो भगवान में मन लगाना है, क्या है, सेवा में सतत भगवान की सेवा में लगना, सतत भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमारा मन भगवान की सेवा में बना रहेगा, ये है। इसीलिए हम जप करते हैं, प्रभुपाद ने हमको 16 माला करने का बोला है, कम से कम 2 घंटा तो हम जप करें, तो हम ऐसा अभ्यास करें कि 2 घंटे से धीरे 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 हम भगवान में अपना मन लगाएंगे और इस प्रकार दूसरी सेवा करते रहेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। तो ये वे गायों ब्राह्मण तथा भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते, भगवत भक्तों पर विशेष ध्यान देते, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए ये महत्वपूर्ण कारक है। इसीलिए हम हमारे ऊपर भी भगवान का विशेष ध्यान है, इसीलिए तो हम सेवा कर रहे हैं, विशेष ध्यान है इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं, बाकी सेवा कौन करेगा, कौन हर रोज मंगल आरती के लिए आएगा, कौन हर रोज हार बनाएगा, कौन हर रोज आरती गाएगा, पूजा करेगा, कौन कौन कौन। भगवान का विशेष ध्यान है,
हमारे ऊपर, प्रभुपाद लिखते हैं और हम सोचते हैं कैसे होगा, इतने सारे हर रोज इतने सारे रुपए का फूल आता है, इतना भोग बनता है भगवान के लिए, कैसे होगा। यहाँ लिखा है कि भगवान सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं, उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। भगवान के पास पैसे कभी क्षीण नहीं होते हैं, खाली नहीं होता है भगवान का। द्वारकाधीश जय रणछोड़, इसीलिए लाखों लोग हर पूनम में द्वारका जाते हैं और डाकोर जाते हैं, भगवान से लेने के लिए जाते हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ, बहुत कम लोग ऐसे ही भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं का समाधान के लिए जाते हैं। द्वारकाधीश जय हो द्वारकाधीश, तो उनके पास लाखों लोग करोड़ों लोग जाते हैं तो वो कुछ लेके आते हैं, फिर भी भगवान का क्षीण नहीं होता है ना। तो हमारे भक्तों के लिए भगवान क्यों क्षीण कर देंगे, क्यों कुंठित कर देंगे, नहीं इनको नहीं देना है, ये तो मेरी माला बना रहे, ये तो मेरे लिए भोग बना रहे, इनको नहीं देना है, ऐसा कुछ सोचेंगे भगवान? क्षीण नहीं होती भगवान की शक्ति, सतत देंगे। हमारी बुद्धि क्षुद्र है इसलिए हम सोचते क्षीण हो जाएगा, क्षीण नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, इतने सालों से हम देख रहे हैं क्षीण नहीं होता है। थोड़ा विश्वास, ये विश्वास का भी अभ्यास करना पड़ेगा कि हमारा विश्वास भगवान के प्रति कैसे बढ़े, कि हम भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, यस भगवान ही पालन पोषण करेंगे पूरे विश्व का, कर अखिल विश्व का, योगेश्वर अखिल गुरु, अखिल गुरु विश्व के वो गुरु है संपूर्ण विश्व के, तो हमारा भी वो पालन पोषण सब करेंगे। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवतम की जय।